नमस्कार देश विदेश को स्वागत करुछु माधुरी प्रथमे हेडलाइंस धरा पड़ा पुलिस कब्जा खसी जाता गोविंद ममिता को हत्या करी अधा पोड़ा अवस्था माटी तले पोती देते भौणी घर आखु क्यारी गोविंद को गिरफ कला पुलिस गोविंद नारे ममिता बापा और भाई आनी संगीन अभियोग बढ़ला कैप्टेन कड़ुआ ममता मामलें स्थानीय लोकों आक्रोश खेल पड़िया खनन बेले माड़ आसिले स्थानीय लोके गृहराष्ट्रमंत्री इस्तफा दाबी बीजेपी हल्ला बोल एपटे सीबीआई तदंत कांग्रेस दाबी मंत्री घर उपरकू कांग्रेस अंटा माड़ दिव्यशंकर ना ममिता बापा आनी सांघातिक कश्मीर आतंकी हमला पर केन्द्र तत्पर प्रधानमंत्री अमित शाह गुरुत्वपूर्ण बैठक घाटी सुरक्षा स्थित समीक्षा कर प्रधानमंत्री आतंकी टार्गेटेड किलिंग प्रतिशोध पर सेनार जोरदार अभियान आ मात्र एक कोटी खूब शीघ्र शहे कोटी टीकाकरण माइल खुंट छुईब भारत देश में अनेशत कोटी टीका प्रदान नहीं सूचना दे स्वास्थ्य मंत्री सेपटे शहे कोटी टीकाकरण मुहूर्त को ऐतिहासिक करने को केन्द्र योजना देवभूमि उत्तराखंड में प्रकृतिर तांडव पहाड़िया अंचल काल होसला वर्षा 38 मृत एवं माटी तले अनेक जीवन आकाशमार्ग स्थित समीक्षा कले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री मोदी गृहमंत्री शाह को दि जा प्रति मुहूर्त सूचना आंतर्जातिक स्तर में वृद्धि पाइब भारतर प्रभाव गठन होगा चारि देश को नहीं आउ एक क्वाड संगठन आमेरिका सह नुआ सदस्य हे इजराइल और यूएई भारत तुलाइब बड़ भूमिका आसंका उत्तर प्रदेश को बड़ उपहार देवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशीनगर में राज्यर सबुठू बड़ रनवे अंतर्जात विमान बंदर करे उद्घाटन स्वतंत्र अतिथि हे श्रीलंकार बौद्ध भिक्षु 140 वर्ष पर आसप भगवान बुद्धों अस्थि अवशेष आसिया संपूर्ण खबर को शेष में बंधा हेले गोविंद साहू चंपट मारी लंपट को आखु क्यारी काबू कला पुलिस निज भौणी घर बुढ़ी पदर में एक आखु क्यारी लुचि रही मोस्ट वांटेड गोविंद साहू गिरफ पर लगी संगीन दफा एवं प्रश्न उठू कलेज गोविंद चलाइवा जौन केलेंकारी तदंत कर पुलिस तदंत परिसर को आसवे तो गृहराष्ट्रमंत्री कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र हसाई देले चाप पड़ा पुणी धरले ममिता मेहर हत्या घटनार मुख्य अभियुक्त गिरफ स्कूल मालिक गोविंद साहू को गिरफ कला बलांगीर पुलिस जघन्य कांड मालिंग्रे चला केलेंगारी निरपेक्ष तदंत हेब तो तदंत परिसर को आसबे तो गृहराष्ट्रमंत्री ये हूँ गोविंद साहू गृहराष्ट्रमंत्री कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र गलार माली गोविंद मंत्री प्रताप जेना भाषा रे ये सनसाइन स्कूल और कॉलेज रो बिंधाणी गोविंद साहू प्रिंसिपल ममिता मेहर निखोज घटन एफआईआर होता गोविंद ना दफा 366 लगला हेले गत काली राति खसीगला गोविंद खसीगलानी तो खसाई देला पुलिस हठात पावर कट 52 वर्ष गोविंद दौड़ी पलायबा संदेह सृष्टि कला प्रश्न उठाइला अर्गस विरोधी भी कले हल्ला बोल आेषे चापरे पुलिस गोविंद को गिरफ कर भौणी घर बुढ़ी पदरु आखु कियारी धरा पड़ी गोविंद आईठे लुचि रही मोस्ट वांटेड गोविंद साहू गोविंद साहू जो हमारा प्राइम एक्यूज अच्छी केस है सिंधीकेला केस एफआईआर नंबर 97/21 है जो दो दिन पहले टिटलागढ़ पुलिस कस्टडी से एस्केप भेजी थी से ताकू हमें पूरी तरह रीअरेस्ट करी थी बंगमुंडा पुलिस स्टेशन एरिया रे
से जंगल रे लुची थिला सेठू आज आम अरेस्ट करीसी ताकु अरेस्ट करके जो केस का इन्वेस्टिगेशन फर्दर रहिबो सेटा हमें जारी रखिबो। गोविंद साहु नारे आसीचे सांघातिक अभियोग कॉलेज रे झियंकु देहजीवी भली व्यवहार करथुला गोविंद सेठी जौन कलेंगरी भी चलीथिला आशीर्वाद थिला गृहराष्ट्र मंत्री कैप्टन दिव्यशंकर मिश्रंकर स्कूल को विभिन्न समय रे मंत्री माने भी आसीथिले हेलीकॉप्टर रे आसी गोविंद को प्रशंसा रे पोती पकाइथिले मंत्री प्रताप जेना ए कॉलेज रो उन्नति होउछि एवं जारा बिन्दानी साजी चंती गोविंद बाबू एबे बडो प्रश्न ममिता हत्या घटना रे निरपेक्ष तदंत करिवो त पुलिस कॉलेज रे जौन केलेंगरी रो तदंत करिवो पुलिस तदंत परिसर को आसीबे त गृहराष्ट्र मंत्री कैप्टन दिव्यशंकर मिश्र मंत्री शारीरिक संपर्क पई कॉलेज जाउथवा अभिजोग हेबो त तदंत परिसर भुक्त ना गोविंद को धरी अन्य मानकु खसाई देबो पुलिस बलांगीर तरुण साहू हुलेश्वर हंस अंकुर अग्रवाल को रिपोर्ट अर्गस न्यूज। गोविंद साहू गिरफ परे बढ़िला कैप्टन कड़ुआ कारण कैप्टन को विरोध रे संकीन अभियोग आनी ममिता बापा कहते गोविंद कॉलेज रे झील मान देहजीवी भाव व्यवहार करुवा बेले कॉलेज को बराबर आसुले मंत्री एपटे मंत्री इस्तफा दाबी में अड़ी रही विरोधी विभिन्न संगठन गुड़िक पक्षर सामान दाबी एवं प्रश्न उठू मंत्री को सुरक्षा देवाक आईन रंठरोध प्रयास है तो ममिता मामलें स्थानीय लोकों आक्रोश किपर रही दृश्य स्पष्ट पड़िया रे जेते बले खोला जाइतिला सेते बले सेठारे गता होइतिबा सह सह लोक हठात माड़ी आसीथिले देखिबा पई माटी तलु मिलिछ सूचना मिलुतिला जणकर मृतदेह मिलिछ तमाम लोक जो माने अछंती से माने एका सांगरे माड़ी बसीथिले कारण दीर्घ समय धरी पुलिस खोलताड़ खोलुला माटी को एवं माटी को खोलुला किंतु कौन से भी जिनस पाई नथिला पाऊ नथिला जहाँ को नहीं लोके माड़ी बसीथिले एवं वर्तमान मध्य पुलिस संदेह करुची कि से ही अंचल ही से ही जगार ही जो रही ममितांकर डेड बॉडी रही थाई पारे आउ एपटे ये हेउची भुवनेश्वर रे कैप्टन दिव्यशंकर मिश्र को घर आगर दृश्य घर आगरे कांग्रेस रो हल्ला बोल दिव्यशंकर को इस्तफा दाबी रे तांको घर को कांग्रेस कर्मी को अंटा मड़ा यदि आज नवीन बाबू तक न सस्पेंड करती मंत्रिमंडल बरखास्त न करती आगामी दिन नवीन बाबू को घर घेर हम दिव्यशंकर मिश्र इस्तफा देना छात्र गोष्ठी बस ना प्रत्येक मंत्री विधायक मुख्यमंत्री प्रतिवाद कर विरोध कर ममिता साहू परिवार को न्याय देवा दरकार तुरंत इस्तफा दे कि मंत्री को अरेस्ट कर अरेस्ट कर वर्तमान मंत्री इस्तफा देवे कि नहीं से नहीं तो कौन सी सूचना मिल पार ना किंतु क्योंठ ना क्योंठ वर्तमान पूरा घटन आम जदि देखा गृहराष्ट्र मंत्री जी पुलिस विभाग मुख्य अच्छा से निजे वर्तमान पूरा घटन बिवाद घेर अच्छा काले कि अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि हे ताकि आखि आगे रखि वर्तमान मंत्री बासभवन बाहर सबु प्रकार सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी कर दि जाए। दिव्यशंकर इस्तफा दाबी में राज्य रास्ता को ओह्लैसे बीजेपी ये हूँ भुवनेश्वर बीजेपी शोभायात्रा सामिल होती नेता और कर्मी सेपटे प्रेसमिट रे कैप्टन दिव्यशंकर मिश्र इस्तफा दाबी करिछि बीजेपी राज्य बीजेपी सभापति समीर महांति कहते नैतिकता दृष्टि इस्तफा दियंतु मंत्री मंत्री विरोध में पीड़िता पापा मंतव्य राज्यवासी को लज्जित कर आईनता बाटे जीवृति प्रकाश पाई एटे बाड़ निजे क्षत खाऊ आईन अंका बंका बाटर जा आईन कंठरोध कर स्पष्ट मत जहाँ प्रकाश पाँच राज्यवासी को लज्जित कर नैतिकता दृष्टि निजे इस्तफा दरकार दबा दरकार एवं जो भली विवृति प्रकाश पाई आईन ता बाटर जीव यह पूरा आईन विगत दिन मानक जो भली अंका बंका रास्ता एवं आईन कंठरोध करा जाई छी
ଏ କଥା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି, ତେଣୁ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଦରକାର। ଘଟଣାର ସିବିଆଇ କିମ୍ବା ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂହ ସାଲୁଜା କହିଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କ ଚାପରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଛି ପୋଲିସ। ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲେ ସବୁ ଧରା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ସନ୍ସାଇନ୍ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲରେ ଦେହ ବେପାର ଚାଲିଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ସେଠାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ରାତି ବିତାଉଥିଲେ। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ରହିଲେ ତଦନ୍ତ ବାଟବଣା ହେବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ। ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା କହିଛନ୍ତି, ସେ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଡେଡ୍ବଡି ପୋତା ହୋଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ଖୋଳାଯାଉ, ଅସଲ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଝିଅଙ୍କ ସହ ଖରାପ କାମ କରି ଏମିତି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଉଥିଲା ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି କ୍ୟାମ୍ପସରେ ତାର ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା। ଯେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଏ କେସ୍କୁ ସେମାନେ ବାଟବଣା କରିବେ। ଆମର ଦାବି ହେଲା, ପହଲା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିରେ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଇମିଡିଏଟଲି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମିଶ୍ରକୁ ବରଖାସ୍ତ କରି ତାଙ୍କୁ ବି ତଦନ୍ତଭୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ ବି ଯେଉଁମାନେ ଭଗେଇବାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଚାପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ 120B କନ୍ସ୍ପିରେସିରେ ଏମାନଙ୍କୁ ବି ବୁକ୍ କରିବା ଦରକାର। ପୂର୍ବରୁ ମମିତାଙ୍କ ବାପା କହିଥିଲେ ସ୍କୁଲରେ ଦେହ ବେପାର ଚାଲିଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିଲେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ବି ଏଠାକୁ ଆସୁଥିଲେ, ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲେ ବୋଲି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ମମିତାଙ୍କ ବାପା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଦୁଇ ମାସରେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ କଲେଜକୁ ଆସନ୍ତି, ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜକୁ, ସେଠି ବସନ୍ତି। ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜକୁ କାହିଁକି କାହିଁକି ଆସନ୍ତି? ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡାକେ ଅନେକ ଝିଅମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା? ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଥିଲେ, ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ଧରିକି ସେମାନଙ୍କ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ। ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଖସାଇ ଦେବା ପଛରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ସନ୍ଦେହ। ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜକୁ ନିଜ ଜୀବନ ବୋଲି କହିଥିଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ। ଏବେ ଜୋର ଧରୁଛି କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି। ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସଂଗଠନ ଏହି ଦାବି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି କ୍ୟାପ୍ଟେନ। ପୋଲିସ ଛାଉଣିରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କ ବାସଭବନ, କେବେ ମୁହଁ ଖୋଲିବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥ, ଜୁନାଗଡ଼ରୁ କୁମାରମଣି ଦୁର୍ଗା ଏବଂ ମହାଲିଙ୍କରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁମନ୍ତଙ୍କ ସହ ସତ୍ରପା ସାମନ୍ତରାୟ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ତରୁଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ସହଯୋଗ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ର ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରୁଛୁ। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଏବେ ଭାରତର ଉଦ୍ୟମରେ ଗଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କ୍ୱାଡ୍ ଭଳି ଆଉ ଏକ ସଂଗଠନ। ଏଥିରେ ପୂର୍ବ ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ରହିବା ସହିତ ନୂଆ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ UAE ବା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ। ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଇସ୍ରାଏଲ ଗସ୍ତ କରିବା ଅବସରରେ ଏହି ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଭାରତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ନେଇ ପଥ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଭାରତର ପ୍ରଭାବ। ଗଠନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଚାରି ଦେଶ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଉ ଏକ କ୍ୱାଡ୍ ସଂଗଠନ। ଆମେରିକା ସହ ନୂଆ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଯୋଗଦେବେ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ UAE। ଭାରତ ତୁଲାଇବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା। ଭାରତ, ଆମେରିକା, ଜାପାନ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇସାରିଛି ଚାରି ଦେଶ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂଗଠନ କ୍ୱାଡ୍। ଏହାର ଉଭୟ ଭର୍ଚୁଆଲ ଏବଂ ମୁହାଁମୁହିଁ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇସାରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଚାରୋଟି ଦେଶର ମୁଖ୍ୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ତଥା ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ସହଯୋଗ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଭାରତର ଉଦ୍ୟମରେ ଗଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କ୍ୱାଡ୍ ଭଳି ଆଉ ଏକ ସଂଗଠନ। ଏଥିରେ ପୂର୍ବ ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ରହିବା ସହିତ ନୂଆ ଭାବରେ ଯୋଗଦେବେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ UAE ବା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ।
ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଇସ୍ରାଏଲ ଗସ୍ତ କରିବା ଅବସରରେ ଏହି ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏପରି ଏକ ସଂଗଠନ ଜନ୍ମ ନେବା ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ଆଲୋନ ଉସ୍ପିଜ। ଏଥିରେ ଭାରତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ନେଇ ପଥ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଛି। ଚାରି ଦେଶ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଉ ଏକ କ୍ୱାଡ୍ ସଂଗଠନ ଘୋଷଣା ନେଇ ଇସ୍ରାଏଲର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ଆଲୋନ କହିଛନ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିରେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାଚ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ସାମରିକ ତଥା ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୃଦ୍ଧ ଏକ ଦେଶ। ଭାରତରେ ମୋଦି ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ସମ୍ପର୍କର ଏକ ନୂଆ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ୟୁଏଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟର ଏକ ତୈଳ ସମୃଦ୍ଧ ଦେଶ। ୟୁଏଇ ଭଳି ଇସ୍ଲାମିକ ଦେଶ ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ରାଏଲର ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ବେଶ ସୁଧୁରିଛି। ଭାରତ ସହିତ ମଧ୍ୟ ୟୁଏଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ତୈଳ ସମୃଦ୍ଧ ଇସ୍ଲାମିକ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଫଳରେ ନୂଆ କ୍ୱାଡ୍ ସଂଗଠନରେ ୟୁଏଇକୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଇସ୍ରାଏଲ। ଏହି ନୂଆ ସଂଗଠନରେ ଆମେରିକା ସାମିଲ ହେଲେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ କିଛି ଘଟିପାରିବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବା ଆଉ ଏକ କ୍ୱାଡ୍ ସଂଗଠନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନେଇ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଇସ୍ରାଏଲର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଇର୍ ଲାପିଡ୍ଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏକ କ୍ୱାଡ୍ ସଂଗଠନ ହେଲେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଭାରତର ପ୍ରଭାବ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଦକ୍ଷିଣରେ କେରଳ, ଉତ୍ତରରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ। କେରଳ ପରେ ଏବେ ଭାସୁଛି ଦେବଭୂମି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ନୈନିତାଲା ଜିଲ୍ଲାର। ସବୁଆଡ଼େ ବିଭୀଷିକାର ଦୃଶ୍ୟ। ପାଣିରେ ଘର ବୁଡ଼ିଛି, ଭାସୁଛି କାର, ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସୁଛି। ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 38 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। କେବଳ ନୈନିତାଲା ଜିଲ୍ଲାରୁ ହିଁ 25 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏବେ ବି ଅନେକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଗାଁକୁ ସହର ସବୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା 2 ଡର୍ଜନରୁ ଅଧିକ ଯୋଗାଯୋଗ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଦୂରସଞ୍ଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ସେପଟେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀ ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଗୁଜରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଧାମୀ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି ଚାରିଧାର ଯାତ୍ରା ମାର୍ଗରେ ଫସିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। आपदा में काफ़ी नुकसान हो गया है और मैं स्वयं सभी जगह दौरा कर रहा हूँ। स्वयं जहाँ जहाँ भी ये आपदा जहाँ जहाँ भी आपदा आई है वहाँ पर उसका स्वयं जो है आकलन करने के लिए, स्वयं लोगों से मिलने के लिए वहाँ पर मैं जा रहा हूँ। उसका ठीक प्रकार से लोगों की सहायता हो, ठीक प्रकार से लोगों को इस समय जो है जो ज़रूरत है उनकी होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। उसके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और हम लोग सभी के लिए प्रयास कर रहे हैं। यात्री लोग भी हमारे कुछ फंसे हुए हैं, कुछ हैं उनको भी निकालने के लिए, सारे रास्ते खोलने के लिए। और हमारे किसान भाइयों का भी बड़ा नुकसान हुआ है, उसका भी आकलन कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत चिंता व्यक्त करी है और उन्होंने भी लगातार हर संभव मदद देने का पूरा आश्वासन हमको दिया है। और वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर हम लोगों ने वहाँ से मांग करी थी, वो भी आ गए हैं, वो भी अपने काम में लग गए हैं। अभी जान माल की काफ़ी क्षति हुई है, रोड टूट गई हैं, पुल टूट गए हैं, जगह जगह पर भूस्खलन हुआ है, सड़क बह गई है, तमाम जगह पर जो है अभी भी जल भराव हो रखा है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज शाम तक मौसम ठीक हो जाएगा तो धीरे धीरे स्थिति सामान्य होगी, यात्रा भी चलेगी, अन्य काम भी चलेंगे। ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଲା ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ମହମ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ଦୁବାଇର ମ୍ୟାଡମ୍ ତୁଷାର୍ଟ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ କୋହଲିଙ୍କ ମହମ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି। 1992 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧାଯାଇଛି ବିରାଟଙ୍କ ମହମ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶକୁ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କୁଶିନଗରରେ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରନ୍ୱେ ଥିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। କୁଶିନଗରକୁ ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ମହାପରିନିର୍ବାଣ ସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି।
संस्कृति मंत्रालय रिपोर्ट अनुसार विमान बंदर उद्घाटन कार्यक्रम में श्रीलंकर आसीथिबा बौद्ध भिक्षु स्वतंत्र अतिथि भाव उपस्थित रहिबे। श्रीलंकर प्राय 123 जनिया प्रतिनिधि मंडल एठारे उपस्थित रहिबे। तबे ही प्रतिनिधि मंडल निज सह भगवान बुद्धक अस्थि अवशेष 141 वर्ष पर भारत आणिबे। एही अवशेष 1880 मसीहारे भारतरु श्रीलंका निया जाइथिला। तबे धारणा एहा जे एहाकु जेउ स्थानरे रखा जाय ताहा धार्मिक दृष्टिरु अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल भाबे विवेचना करा जाय। श्रीलंकारु आसुथिबा एही प्रतिनिधि मंडलरे 12 बौद्ध भिक्षुक सह श्रीलंकर 5 कैबिनेट मंत्री उपस्थित रहिबे। आ मात्र 1 कोटी एहा परे भारत हासिल करिबे एक बड़ उपलब्धि। आउ दिने दुई दिन में भारत 100 कोटी टीकाकरण माइल खुंट छुइबो। मंगलवार भारत में COVID-19 वैक्सीन 99 डोज रु अधिक टीका प्रदान करा जाय छे। केन्द्रमंत्री मनसुख मांडव्य यह सूचना देखते ट्वीट करी केन्द्रमंत्री कहते आम 99 कोटी अच्छु 100 कोटी माइल खुंट छुईवा दिगरे बढ़ुच्छ भारत। जनवरी 16 भारत आरंभ होता टीकाकरण प्रथम स्वास्थ्यकर्मी को टीका प्रदान करापर फेब्रुआरी 2 तारीख वैक्सीनेशन सम्मुख योद्धा योग्य घोषणा करापर जून 21 तारीख देश में आरंभ होता समस्त टीका मागणा टीका यार भितर भारत टीकाकरण को IMF एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रशंसा करपटे 100 कोटी टीकाकरण को ऐतिहासिक करने को योजना रखिंट केन्द्र सरकार 100 कोटी टीकाकरण संपर्क में देशर समस्त रेल स्टेशन विमान बंदर बस स्टाण बंदर में घोषणा कर जम्मू और काश्मीर रे पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी हमला परे केंद्र गृहमंत्री गुरुत्वपूर्ण बैठक। केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह मंगलवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू काश्मीर सुरक्षा स्थितर समीक्षा करश्मीर परिस्थिति विषय सूचना देवासह शाह सका प्रधानमंत्री मोदी सरकारी बासभवन लोक कल्याण मार्ग में पहुंचे। काश्मीर में आतंकवादी टार्गेटेड किलिंग कारण सृष्टि होता भयर वातावरण पर दुई नेता आलोचना करते सेपटे आतंकी हमला पर तुरंत कार्यानुष्ठान दाबी उठी पाकिस्तान ठारु प्रतिशोध नेपाई विभिन्न राजनैतिक दलर नेता माने दाबी करुछन्ते। जम्मू काश्मीर निरीह साधारण नागरिकों हत्या मामलार अनुसंधान कर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। आतंकवादी आक्रमण में प्राय 11 जन साधारण लोक यह प्राण हर विशेष भाव में सेठे रोकवा संख्यालघु हिंदू और अन्य प्रदेश साधारण लोक आक्रमण कर हत्या भी कराधारण नागरिकों पर आक्रमण एक बड़ षड्र केन्द्र सरकार और जम्मू काश्मीर सरकार तरफ कहु एक घटन पाकिस्तान समर्थित रेजिस्टेंस फोर्स एवं अन्य आतंकवादी संगठन हाथ सामना को आई आक्रमण विषय एनआईए को सूचना मिलवा पर गत किछि दिन मध्य आतंकवाद सह जड़ित मामलार जांच पाई एजेंसी बड़ धरण चढ़ाऊ करथिला। केवल एतिक नुहे आतंकवाद संपर्क में एजेंसी अनेक लोक गिरफ्त कर किछि दिन हेबो जम्मू काश्मीर रे आतंकवादी कार्यकलाप वृद्धि पाइबा वो अन्य राज्यर नागरिकों को टार्गेट करा जिबाने सीआरपीएफ तरफ रु निया जायछि कड़ा पदक्षेप। काश्मीर रो विभिन्न संवेदनशील अंचल रे सीआरपीएफ तरफ रु क्यांप प्रतिष्ठा करा जाय प्रवासी श्रमिकों को सुरक्षा देबारे प्रयास करा जाउछि। उपत्यकारे अन्य राज्यर जे लोक माने बास करुछन्ति बा काम करुछन्ति सेमानको डाटाबेस तयारी पाइ प्रस्तुत चलीछि। या छडा संदेहजनक अवस्था रे चल प्रचल होता लोकों सुरक्षा जांच कर विशेषकर धार्मिक संख्यालघु रोकवा स्थानगुड़िक सीआरपीएफ तरफ अधिक सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण कर सब व्यवस्थार निरीक्षण पर जम्मू काश्मीर में पहुंची सीआरपीएफ डीजी जी एनआईएर डीजी रही जो संख्यालघु तथा अन्य राज्यर प्रवासी मैंने जम्मू काश्मीर छाड़ पलायी बाहर से सामूहिक थैथान पर स्कूल सबको अस्थायी शिविर में परिणत कर समय सर बुलेटिन कोई रखु नमस्कार।